पर काबू पाया गया है, क्योंकि भयंकर आग थी। ऐसे में आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल था, तो फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें सबसे पहले आग लगी थी, और कहीं ना कहीं ये खतरा आगे बढ़ सकता था अगर मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंचती, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत से स्टाफ है और नई गाड़ियां बहुत सी है जिसके अंदर ये जो खतरा है वो बढ़ सकता था। फिलहाल आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी के द्वारा जो है आग पर काबू पाया गया है, ये देख सकते हैं। और चारों तरफ ये देख सकते हैं आग की लपटें। तो मैं चाहूँगा इस खबर को शेयर जरूर करें। ये गाड़ी है देखो, पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। जैसे सुनने में आता कि नई गाड़ी है, लेकिन ये पता नहीं है कि नई है कि पुरानी है, ये बाद में पता किया जाएगा कि नई है। तो गाड़ी के बारे में पता करेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल नई गाड़ी है, शायद सर्विस इस गाड़ी की हो रही हो, उसी समय ये आग लगी हो। लेकिन अधिक जानकारी है जो यहाँ के जो मैनेजर है या जो भी इंचार्ज है यहाँ के, उनसे बातचीत कर ही पता चल पाएगा कि आखिर कारण क्या रहा इस प्रकार से आग लगने का। इंचार्ज से बातचीत की जाएंगे। फिलहाल वह पूरी गाड़ी जो है जलकर राख हो चुकी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं मौके पर पहुँची हुई है। अलग लोग तो भाई, ये गाड़ी जो है बलेनो पुरानी थी, पुराने बलेनो गाड़ी है, और ये पूरी तरह से जल चुकी है। भाई देखो, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो लगे हुए हैं। अगर थोड़ी ही देर हो जाती तो कहीं ना कहीं ये ऑयल के जो ड्राम है यहाँ तक भी पहुँच सकती थी, खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता था थोड़ी देर पहले। और जो नई गाड़ियाँ हैं शोरूम के जो यहाँ पे है, वहाँ तक भी जो है खतरा बढ़ सकता था, आग पहुँच सकती थी। लेकिन समय पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच जाती है और आग पर काबू पाया जाता है। तो जितने भी साथी जुड़े हैं खबर को शेयर जरूर करें। तो भाई देख सकते हैं, देखो भाई जो है तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, ये देख सकते हैं। तो भाई मौके पर तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई है, और तब जो है आग पर काबू पाया गया। बहुत ज्यादा भयंकर आग थी, अगर समय पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंचती तो कहीं ना कहीं शोरूम के अंदर जो एजेंसी में नई गाड़ियां हैं वहां तक जो आग की लपटें पहुंच सकती थी। अगर समय पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंचती तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा गाड़ियां नहीं खड़ी हुई है, और एयर में आग लगी है वो बलेनो गाड़ी है। उसका कारण अभी तक पता नहीं पाया कि कारण क्या था आग लगने का। जो यहाँ पर वर्कर है काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है हालात है बहुत ही नाजुक बने हुए, और जैसा सुनने में आया कि दो जो मिस्त्री है काम करने वाले वो आग से झुलस चुके हैं, उनके साथ भी घटना हुई है, वो भी गंभीर रूप से घायल है और उनको लेके गए हैं अस्पताल में। तो भाई दो गाड़ियां इस साइड खड़ी है, दूसरी साइड भी एक गाड़ी खड़ी है, यानी कि फायर ब्रिगेड की जो है मौके पर तीन गाड़ियां पहुंच चुकी है। तो भाई 112 नंबर जो पुलिस वाले पहुंचे हैं स्टाफ, उनसे बातचीत करेंगे, आखिर चार्ज हमसे भी बातचीत करेंगे। फिर बाहर निकाल लिया गया है, मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां हैं जो पहुंच चुकी थी। जनाब क्या सूचना मिली थी? 112 पे सूचना आई थी भाई। किस समय जी? अभी 10-15 मिनट पहले। क्या सूचना आई भाई? 112 पे सूचना आई कि आग लगी, मारुति एजेंसी में आग लगी हुई है। अच्छा जी, मौके पर जल्दी पहुंचे हम। अच्छा। पहुंचे हैं साथ में हमारे साथ पीछे पीछे फायर ब्रिगेड पहुंची है। हाँ। मौके पे आके देखा ये बलेनो गाड़ी आपके सामने आग लगी हुई है, इसमें बताया भाई दो वर्कर काम कर रहे थे, उनको थोड़े बहुत फेस वाश वगैरह पे साइड में आग लगी है, वो हॉस्पिटल में भेज दिए थे हमारे पहुंचने से पहले। तो मौके पर जो इंचार्ज सर बातचीत करने की कोशिश करी, आग लगने का कारण क्या आया ये नहीं पता चला भाई, क्या कारण आया है अभी तो। वो जो वर्कर काम कर रहे थे वही बताएंगे क्या कारण हुआ है क्या नहीं हुआ है इसका। कोई गाड़ी नई थी पुरानी थी किस या सर्विस अभी तक हमने पूछा नहीं है, आग बुझवाने में बिजी थे ये क्या वहाँ थोड़ा पूछेंगे हम भाई। दो लोग जो दो वो भी घायल हुए भाई, किस कारण से आग लगी है उनको भी पता है, वर्कर थे वो जो वर्कर काम कर रहे थे। अच्छा जी, ठीक है सर, बातचीत करेंगे। सर क्या नाम आपका? मंदीप। तो किस पद पर हो आप यहाँ? यहाँ पे सर्विस एडवाइजर है। तो सर ये आग लगी इतनी भयंकर, क्या क्या कारण था, किस समय आग लगी? सर अभी जैसे गाड़ी आई थी सर्विस के लिए। नई गाड़ी थी पुरानी थी? पुरानी गाड़ी सर्विस के लिए आई। अच्छा जी,
इसमें आउटफिटेड सीएनजी थी उसकी वजह से यह हादसा, सीएनजी की वजह से लगी है। अच्छा, तो आग लगने के बाद ये भी सुनने में है कि जो यहाँ कर्म एक मिनट जो आग लगी है सुनने में ये भी है कुछ कर्म जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो भी घायल हुए हैं। है सर। कितने के लोग थे? दो थे सर, बाकी अभी हॉस्पिटलाइज है सर। कितनी ज्यादा चोटें आई है? अभी कुछ नहीं कह सकते सर, पता ही नहीं, गए नहीं मुझे सर। अच्छा, नाम क्या क्या थे उनके? सोहन है जी, बदल। कहाँ से थे? लोकल ही है जी, आसपास से ही है। अच्छा, एकदम से कोई ब्लास्ट हुआ था जी? नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ जी, पता ही नहीं चला अभी तक तो। नुकसान की बात करें तो कितना क्या नुकसान? तो अभी तक तो एक गाड़ी है जी, बाकी अभी तो देखेंगे, अभी आग बुझी है, बाद में पता चलेगा। ठीक ठीक है।